जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत रजा चौक में एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें एक दिव्यांग महिला की जलने से मौत हो गई। वृद्धा की चीख पुकार से पूरा मोहल्ला दहल उठा, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। थोड़ी देर में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाते हुए वृद्ध महिला को जली हुई हालत में बाहर निकाला, जहां बुजुर्ग महिला 100% आग से झुलस चुकी थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना क्या है, हम तो सो रहे थे सुबह, हमारा भतीजा आया भगते हुए, बोले चाचा वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो हम एकदम से उठ के आए, तो हम लोग बाजू में शायद कचरा जलाते हैं, सोचे वहाँ का धुआं होगा। देखे तो फिर यहाँ भाभी के कमरे का धुआं बहुत तेज निकल रहा था। फिर हम लोग ने पानी से जैसा हुआ डाले, मगर भपका बहुत तेज़ हुआ, पूरी आँच वाँच लग गई, भतीजा भी जल गया हमारा पूरे। उसका उठा के देखे तो यहाँ पर कुछ जहाँ अंदर जाने को नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे तैसे फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने फिर आग को काबू किया। हाजी इकबाल साहब की जो भाभी हैं, वो अचानक जो है घर के अंदर ऐसा हादसा हुआ जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा घर जल गया। और घर के अंदर चूंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत अधिक होने के कारण जो है पूरा के अंगार हो गई, जिसकी वजह से उनका जो है जिस्म भी जो है बहुत अधिक जल गया, 100% जो है तकरीबन जल गया। जो सुबह करीब 5:15 की बात है, ये रजा चौक के पास में अख्तर रसूल खान का घर है, उसमें आग लग गई थी। दो कमरे हैं, तो दो कमरे में से एक कमरे में आग लगी। आग लगने का कारण संभवतः मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती होती है या शॉर्ट सर्किट से लगी है। उस कमरे में एक 69 साल की महिला, जिनका नाम सितारा बेगम है, वो दुर्भाग्य से पैरालिसिस की भी मरीज थी, तो वो सो रही थी और उस कमरे में आग लग जाने से उनकी जल जाने से मृत्यु हो गई।